ये जिन्नात कैसे चले गए? अरे बेगम क्या बताऊं, मैंने बड़ी चलाकी की ना, चलाकी मैंने ये की कि मंटोर गायब होने लगा ना, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं भी गरम करके मेरी आंख खुली में वादिये जिन्नात में था। वाह वाह वाह, तो कैसी रही वादिये जिन्नात की सैर? अरे क्या बताऊं बेगम, मैंने देखा वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े खूबसूरत पार्क, और मैंने जब थानों पर किया ना, वहाँ देखने के लिए मेरी टोपी गिर गई, इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल थे वहाँ पे। फिर वहाँ ज्वेलरी की भी बहुत सारी शॉप्स होंगी ना। मेरा ख्याल है कि कोई और बात करते हैं। तो आपके पास सोच भी है? मैंने ये कब कहा? अभी तो आपने कहा कि मेरा ख्याल है, और ख्याल का मतलब सोच भी तो होता है। अरे वाह, तुम तो बड़ी सोचदार हो। अरे सोचदार नहीं, समझदार। और सोच के मुझे बताइए कि अब इस एपिसोड में क्या काम करना है। काम? कौन सा काम? ये तो सोचना पड़ेगा। तो फिर सोचिए। असल में लंबा सोचना हमारा काम नहीं है। देखिए मेरी बात सुनो, क्यों ना हम जंतर और मंटोर से मशवरा कर ले। घर उनसे क्यों? आफ्टरऑल वो भी कास्ट में शामिल है, और वैसे भी वो जिन है। हाँ फिर तो ठीक है, है? चलो फिर आवाजें देते हैं इनको। जंतर मंटोर, जंतर मंटोर, जंतर। जी मेरी आपी। मेरे सर में बहुत दर्द है। अच्छा ठीक है, दबा दो। आपी आ, तेरे सर में बहुत खुश्की, तू मट्टी का तेल डाला कर। वो क्यों? आग लगाने में आसानी होगी, खुश्की भी खत्म हो जाएगी। आइए ले। मंटोर, जंतर मंटोर, मंटोर। आ क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे मशवरा करना। क्या? कि मैं क्या काम करूं? ना करें। मैंने कहा मुझे करना है। ना करें ना। लेकिन मुझे मशवरा करना है। मैं मशवरा नहीं, काम की बात कर रहा हूं। क्या मतलब? हाइनेस, मुखलिसाना मशवरा ये है कि आप काम को बिगाड़ देंगे, उससे बेहतर है कि आप काम ना ही करें। अरे ये काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? ना बिना घर नहीं चलाना। आ क्या मतलब? मतलब ये कि पहले मैंने इतनी मुश्किल से अपने घर का पता याद किया है, अगर ये घर चल के आगे कहीं और चला गया तो मैं कैसे ढूंढूंगा? अरे घर ना सही, किचन तो चलने दो। ना घर ना किचन, सिर्फ काम। आ तो काम क्या करोगे? और यही तो पूछ रहा हूँ। आप पूछो नहीं, बताओ। क्या मतलब? आ तू दवाखाने बैठता है, तुझे पता है कि क्या डिमांड है? दवाखाने पर तो सबकी बस एक ही डिमांड है। क्या? कि दवाखाना बंद करो। पापा पापा। ओए ये क्या पा 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 पा, एम्बुलेंस बन क्या रहा है? पापा पापा। ओहो आगे बात भी कर रहे, पा पा पी पी क्या कर रहा है? बाहर कॉर्पोरेशन वाले आपकी दुकान का बोर्ड उतार कर ट्रक में रख रहे हैं। हकीम साहब जाओ जल्दी से देखो। ओहो बच्चा बाहर से ही आया है, देख के आया है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। मेरा मतलब है उन्हें रोको। हाँ मुझे रोकना चाहिए। आए इन्हें जाने नहीं देना, वो ट्रक में डाल के ले जाएंगे इन्हें। आए अच्छा है ना? वही अच्छा है, तू ऐसा कर, तू मेरे साथ चल। वो ट्रक छोड़ेंगे, मुझे ले जाएंगे। तू जा देख जा। ओ भाई साहब, भाई साहब। हाँ, अच्छा। ओ भाई मैं हूँ ये हकीम विशाल। अच्छा? हाँ मैं यहाँ अपना नाम बताने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या करने आए हो? मैं बात करने आया हूँ। तो करो यार, आप रुकेंगे तो करूँगा ना, आपको बार बार जा रहे, बार बार जा रहे। लो रुक गया, करो बात। पागल है बंदा ही। ओ भाई आप बैठेंगे तो बात करूँगा ना। लो लो बैठ गया। बैठो बैठो। हाथ टूट जाएगा, आ छोड़ दे, आ छोड़ दे। हाँ आ, आ, आ जोर से, इतनी जोर से पकड़ लिया। अबे हमें हकीम साहब की मदद करनी है तो करनी है बस। अबाल में गया हकीम। हाइनेस के फादर हैं। आ क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ। आ तो पकड़ हाथ, आ चल, आ जा। यार आप मेरी बात समझ लीजिए जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। आ गए आ गए आ गए, हम आ गए। ये कौन है? आ जंतर मेंटोर। लो तुम्हारे साथ बात करने वाले आ गए, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं आप बैठे, मुझे आपसे ही बात करनी है। आए मेरी लाइन है, चुप कर जा। ओहो मैं माफी चाहता हूँ, तेरी लाइन थी, माफ कर दो, तू बोलते ये लाइन। आए आपसे तो बात करनी है। कौन सी बात? लेन देन की। अच्छा तो आप हैं, आपने तो आज शाम को घर आना था, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या मतलब? मतलब छोड़े, आप ये बताएं कि आपको क्या चाहिए। ये तो आप बताएंगे कि आपको क्या चाहिए। ये मैं कैसे बता सकता हूँ,
ये तो आप लड़के के घर वाले हैं, आप बताएं। हाँ, कौन सा लड़का? और मेरी बेटी के होने वाले शौहर। क्या मतलब? मतलब छोड़े, आप ये बताइए कि आपको चाहिए क्या। अरे भाई, हम उस लेन देन की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर आम दवाखाने के बोर्ड को वापस लगवाने के लिए लेन देन की बात कर रहे हैं? अच्छा, तो आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। एक तो रिहायशी जगह के ऊपर कमर्शियल काम कर रहे हो और ऊपर से सरकारी अफसर से लेन देन की बात करते हो। ओहो, तो फिर सवाल दवाखाने का बोर्ड भी उतारो ना, वो तो हमसे भी बड़ा बोर्ड लगावा। वो लगा सकता है। क्यों, वो कैसे लगा सकता है? वो जगह भी कमर्शियल नहीं है। उसकी वजह से तो मेरा बेटा बड़ा हुआ है। अब वो क्या बहस है जिसका दूध पी के तेरा बेटा बड़ा हुआ है? मेरे बेटे का कद 2 फुट से बढ़ता ही नहीं था, फिर उनके कद बढ़ाने वाले शर्तिया इलाज से मेरा बेटा 2 फुट से 4 फुट का हो गया। अब बस कर पगले, आएगा क्या? क्या मतलब? इसका मतलब है तब तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। और कद को बढ़ाना कोई गलती है क्या? ना 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 ना, कद को बढ़ाना गलती नहीं है, कद को पूरा ना बढ़ाना ये गलती है। मतलब? अगर आप सवाल दवाखाने की जगह पे विशाल दवाखाने का नुस्खा अपने बेटे को खिलाते तो आपका बेटा 4 फुट का नहीं बल्कि 6 फुट का हो जाता। सच? यकीन ना आए तो खिला के देख ले। तो लाए? आप बाहर बोर्ड लगाए और कल आकर नुस्खा ले जाए। एक मिनट रुक जाए। ये बोर्ड तो आपने दे दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन वो बोर्ड जो आपने अपने ट्रक में रखा हुआ है वो बोर्ड आप भले ले जाए, ट्रक हमें दे जाए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो बोर्ड हमें वापस दे जाए और ट्रक में बैठ के निकल जाए। ठीक है, मैं जाऊंगा। मेरी बात सुनो, बदतमीजों की शर्मो, ये क्या कह दिया? और नुस्खा कहाँ से देंगे? खुद बनाएंगे। वो कैसे? गूगल से। ओहो, तुम वादिये जिन्नात के जिन हो या गूगल के? गूगल के। जानी, जाके देख के आप बोर्ड का क्या बना है? अम्मी, वो आपको अभी बोर्ड का कैसे बता सकते हैं? अभी तो बोर्ड के एग्जाम्स में 6 मंथ्स बाकी हैं। तेरे अब्बा के बोर्ड का कह रही हूँ। क्या, अब्बा का बोर्ड भी है? अब्बा का बोर्ड नहीं, दवाखाने का बोर्ड। अम्मी, मैं अभी पता करती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आ चुके हैं। लो जी, हो गया काम। क्या बना आपके बोर्ड का? आप बोर्ड बच गया और काम क्या करना है उसका आइडिया भी मिल गया। वो क्या? हकीम ना छोटे कद का नुस्खा बनाएगा। हैं? पहले जड़ी बूटियों के नुस्खे बनाते थे, अब कद के बनाएंगे? ओहो, अब भी जड़ी बूटियों का ही नुस्खा बनेगा, यानी छोटे कद को बड़ा करने का नुस्खा। वाओ, ये तो बहुत जबरदस्त काम है पापा। टीवी पर इसी का तो कमर्शियल चल रहा था। हाँ, वो याद आया क्या था? हाँ, सवाल दवाखाना छोटे कद का शर्त इलाज सिर्फ 25 मिनट में। 25 मिनट में? और नुस्खे की कीमत 3500 रुपए। क्या, 3500 रुपए? यानी के 3500 रुपए फी कद, 10 कद्दों के 35,000। कद्दों के नहीं, बंदों के। वही तो कह रहा हूँ कि यानी के 3500 रुपए फी कद हुआ तो 10 कद्दों के 35,000 और 20 कद्दों के 70,000। तो इसका मतलब है मेरे सोने की चेन और लॉकेट पक्का। ये कौन चले गए? सोना बचाने, मेरा मतलब है नुस्खा बनाने। तो फिर हम भी चलते हैं सोना बचाने, नुस्खा बनाने। हाँ, चलिए। रुकिए तो, आप कहाँ जा रही हैं? कद बढ़ाने वाला नुस्खा बनाने। तो मुहब्बत का नुस्खा कौन बनाएगा? क्या मतलब? अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, चल मेरी बात। अब बोल, क्या बात करनी है? उल्टी सीधी बात नहीं करना। नहीं, मैं उल्टी सीधी बात नहीं करता। मैं तो यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ कि जमीदा जो उल्टी सीधी फरमाइशें कर रही थी ना, वो सोने की, उससे बचने के लिए लाए। आप फरमाइश का छोड़, कारपोरेशन से बचने का सोच। क्या मतलब? खाद बढ़ानी, दवा नहीं देनी। देनी है तो बना। कैसे? अब मुझे क्या पता, चमाट मार दूंगी। यार, आइए, आखिर मेरी जान ले लेगी। आई चप्पी को मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी आती हूँ। जनता, हाँ बोलो। मुझे पता है नुस्खा कैसे बनेगा। कैसे? गूगल से। हाँ, तो ठीक है, फिर जल्दी से गूगल सर्च करो। सिर्फ 40 दिन में कद बढ़ाए? नहीं। हाँ पापा, आई स्वेयर यही लिखा है। ओह नहीं, मेरा मतलब है कि हमें 40 दिन से कम वाला नुस्खा चाहिए। अच्छा, ठहरे, मैं फिर सर्च करती हूँ।
30 दिन नहीं, 28 दिन नहीं, 25 दिन नहीं। देखिए पापा, 20 से कम का नुस्खा नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन हमें तो आज के आज ही कद बढ़ाना है ना। किसका? ओहो, सरकारी अफसर के बेटे का। तो 20 मिनट भी तो हाथ के हाथ ही होते हैं। तो तू 20 मिनट की बात कर रही है? हाँ जी। ओह, तो फिर जल्दी से बताना। जनता, तुम रेडी हो? आ, क्या फंक्शन के लिए चलना है क्या? नहीं, नुस्खा बनाने के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है, तैयार है, तैयार है। सही लग रही हूँ ना? तो फिर शुरू करें। सुनने को तैयार नहीं, ये करते अपनी बात। इनकी अपनी मन तक यारो, इनकी अपनी जात। खुद के होश गंवाने हैं तो कर लो इनसे बात। ये अजूबे है पूरे साथ, पूरे साथ, हाँ जी साथ। ये अजूबे है पूरे साथ। यकीन नहीं आ रहा। अरे सच कह रहा हूँ वाइनस, वादी जिन्नात की कसम, अगर उस बंदे को कद बढ़ाने का नुस्खा ना मिला ना, तो हकीम साहब के दवा खाने का बोर्ड ब्लूम। मेंटोर, मैं बोर्ड की बात नहीं कर रही। तो फिर आप किसकी बात कर रही हैं? मैं तो तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी की बात कर रही हूँ कि एक जिन और एक इंसान को भी मोहब्बत हो सकती है। मैं कोई आम भूत नहीं हूँ हाइनस, इश्क का भूत हूँ। इश्क का जो एक बार सर पे चढ़ जाए तो फिर उसको उतारने के लिए चिल्ला काटना पड़ता है। चिल्ला? गर्दन से काटने या पांव से काटने? हाइनस, मैंने चिल्ले की बात की है, आप शायद चिकन समझ रहे हैं। तो फिर क्या होता है चिल्ला? चिल्ला वही होता है जो जैनी हाइनस बार बार काटती रहती है। कैसे काटते हैं? जैसे चरखा काटते हैं। ओहो, मेंटोर, मैं पूछ रही हूँ किस लिए काटते हैं? चिल्ला इसलिए काटा जाता है कि इश्क के भूत को सर से उतार दिया जाए। कौन कमबख्त इसको सर से उतार देना चाहता है? बन गया। क्या हलवा बन गया? हलवा नहीं, तेरे लिए तो ये तजाब बन गया। हकीम मिसाल खाने का, छोटे कद को बड़ा करने का नुस्खा तैयार हो गया। बन गया। हकीम, बड़े मजे का लग रहा है, खा के देखूं क्या? नहीं नहीं, अगर तुझे खा के मजा आ गया तो तू तो सारे खा जाएगा। ओहो, मगर चेक भी तो करना है ना कि नुस्खा सही है या नहीं। हाँ, तो किसी इंसान का तजर्बा करते हैं ना। उए, तो फिर मैं ऐसा करूँ, मैं खुद ही खा लेता हूँ। अरे, इंसान का क्या, बंदर का नहीं का। आज तेरी उम्र के लोगों को बात का सर नहीं होता, दवाई का क्या खा का सर होगा? फिर आ, चलो जानी को खिलाते। अरे नहीं नहीं, मुझे साइंसदान बनकर बड़ा होना है, बड़ा होकर साइंसदान नहीं। जानी बेटा। नहीं नहीं पापा, मैं अपनी हाइट से बहुत खुश हूँ, मुझे और कद नहीं बढ़ाना। आप क्या होगा हकीम? अरे होगा क्या, आज के आज डायरेक्ट, वो डायरेक्टर नहीं है, वो सरकारी अफसर जो है, उसके बेटे पर ट्राई करते हैं, उसे खिलाते हैं। आ, एक बार फिर सोच ले हकीम। नहीं नहीं, सोचने में क्या जाता है, सोच तो ले। सोच के ही कह रहा हूँ, तुम्हें खाने को नहीं दूंगा। अब अगर क्यों? मेरा नुस्खा मेरी मर्जी। अब बहुत ही गंदा आदमी हकीम, जो मर्जी क्या है, मेरा नुस्खा मेरी मर्जी। हमें कुछ करना होगा मेंटोर। भाग के शादी नहीं करूं। मैं शादी की बात नहीं कर रही, मैं दवा खाने के नुस्खे की बात कर रही हूँ। हाइनस, जब मैं ये बात करता हूँ तो आप वो बात करती हैं, और जब मैं वो बात करता हूँ तो आप ये बात करती हैं। क्यों? ये वो क्या? मैं कह रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसका? सवाल दवा खाने के नुस्खे का। हाँ, तुम ना उसका नुस्खा खराब कर दो। देखो, एक ही जगह पे दो नुस्खे चलेंगे तो काम कैसे चलेगा? लेकिन हाइनस, अगर फिर से कोई गड़बड़ हो गई तो? हर बार एक काम नहीं होता। तो देख लें। ऐसे क्या देख लेंगे? मुझे तो कहा देख ले। मेरे कहने का मतलब है कि आप सोच लें। मैंने सोच लिया, तुम बस जादू करो। ओके? हाँ। नहीं, आज चल थोड़ा सा खा लेती, चल थोड़ा। ये तो बहुत मजे का है। अब बुरी बात है, चल थोड़ा सा और खा लेती। नहीं,
नहीं 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 जा आए मजा आ गया। हाय 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 ये क्या हो गया? आज तो सारा ही खत्म हो गया। आज अंतर अब कम वक्त मारिए क्या कर दिया, अब क्या करें? आज सवाल दवा खाने का नुस्खा इसमें डाल देती हूँ, अब ऐसे भी ये किसी काम का नहीं था। हाँ ठीक है। झुमक झुमक आइए नहीं आए नुस्खा खत्म हो जाए। अब मैं चाहती हूँ आज मैं आपके लिए चाय का इंतजाम करती हूँ और इसके लिए फीटर का। नहीं नहीं रहने दे, ये मेरा बेटा है। अच्छा है, अच्छा है। खास अच्छा है, पूरे मोहल्ले से इसकी कंप्लीट सर। फिर तो बहुत ही बुरा है। कौन? आपका बेटा। आपकी जरूरत कैसे हुई मेरे बेटे को बुरा कहने की? आपने ही तो अभी कहा है कि सारे मोहल्ले से कंप्लेंट आती है इसकी। और किसी के कहने से कोई बुरा थोड़ी हो जाता है। हाँ, वैसे क्या है तो ठीक रहे। हाँ तो क्या कह रहे थे आप मेरे बेटे के बारे में? नहीं हम तो बस सुन रहे थे। अरे बस सुनने से कुछ नहीं होता, सुनती तो दीवारें भी हैं। मेरा ख्याल है ये किस्सा खत्म करें और बताएं कि इनको बढ़ाना है। जी बेटा बड़े होके क्या बनोगे? अंकल मैं बड़ा ही हूँ। तेरा बाप तो बोल रहा है कि तुझे बड़ा करना है। वो मेरी नहीं मेरे कद की बात कर रहे हैं। कितना? 2 फुट। बस बस नहीं कद। आप मेरी बात समझे नहीं है। आप मेरी बात नहीं समझे तो समझाएं। क्या बात? कौन सी बात? जो मैं नहीं समझा। अगर आप पहले नहीं समझे तो अब क्या समझेंगे? देखें मेरी बात सुने, आप वैसे बात बढ़ा रहे हैं तो आप कद बढ़ा दीजिए ना। हाँ तो बढ़ा दे, चेक में कौन सा मसला है? चलता क्या बे? आज ही मेरे आका नुस्खा लेकर आओ। ओके खाओ। कितना? कल कितना बढ़ाना है? 2 फुट। बस 2 चम्मच? नहीं मैं 3 चम्मच खाऊंगा, मैं 2.5 फुट करूंगा। थोड़ा बचा देगा, मैंने भी खाना है। आराम से आए क्या आलम चलना बनेगा। आराम से खा दंगले। अच्छा जी हम चलते हैं। और तो जल्दी जाएगा। हाँ मेरा बेटा। वैसे क्या ही अच्छा होता कि ये विशाल दवा खाने से पहले सवाल दवा खाने का नुस्खा खाते। हाँ ताकि बाकी का 2 फीट कल जो है वो भी इसी से बढ़ जाता, फिर हमारा क्या होता? बढ़ जाता नहीं घट जाता। क्या होता? मतलब ये कि मेंटोर ने सवाल दवा खाने के नुस्खे पर जादू कर दिए। हाँ हाँ इनस, अब जो भी सवाल दवा खाने का नुस्खा खाएगा उसका कद बढ़ेगा नहीं बल्कि छोटा हो जाएगा। आई क्या चंदन तुम्हें तो एक्सप्रेशन की बिल्कुल सेंस नहीं। अब मेरे जो एक्सप्रेशन है ना वो सेंसर हो जाते। देखो ऐसे सिचुएशन में ऐसे एक्सप्रेशन दे। अब बता 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 क्या? क्या अगर ऐसी बात थी तो उसे रोकना था ना। क्यों? आज पता क्या हुआ? आज उससे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। रात को मुझे बहुत जोर की भूख लगी, आज मैं सारा नुस्खा खा गई। अगर सारा नुस्खा तुम खा गए थे तो वो यहाँ क्या खा गया? ये तो मैं सवाल दवा खाने से लाई थी। अब वो बड़ा नहीं होगा, वो हाथ में आ जाएगा। इसे क्या खिला दिया? हाँ तू हकीम है या ढक्कन? तेरी बीवी का नाम लू तब नाराज होता है, नहीं लू तब नाराज होता है। ढक्कन किस चक्कर में करा तू ने? ओहो इन बैग्स में तो सिर्फ मेरे ही कपड़े आएंगे। है इतने बड़े बड़े 2 बैग्स में बस आप ही के कपड़े? हाँ मतलब सोने के अलग, जागने के अलग, खाने के अलग, पीने के अलग, बस कर दे। अरे पहले इन्हें खाना तो खिलाओ।